नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव और आप भारत लाइव में रातों रात देखना शुरू कर चुके हैं। आपको पता है कि बिहार की राजनीति किस तरह से चल रही है, कभी उठापटक की स्थिति बन जाती है। लेकिन नीतीश कुमार बिहार के मुखिया बने हैं, लेकिन कहा जाए जिस तरह से सरकार चल रही चाहिए नहीं चल रही है, वहीं अब नीतीश कुमार के खिलाफ लश्कर भी तैयार हो चुका है। किस तरह से उनको घेरने की कोशिश की जा रही है, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। चलिए हमारे सुमन जो सहयोगी हैं, सुमन जी बताइए किस तरह से नीतीश कुमार को घेरने की साजिश चल रही है, किस तरह से लश्कर तैयार किया जा रहा है उनके खिलाफ। जी देखिए, जिस तरह से बिहार की राजनीति को आप देखेंगे तो बिहार की राजनीति को समझना थोड़ा मुश्किल होता है जी। इसे खीर को पचा पाना मुश्किल होता है, पहले खीर बनाना ही टेढ़ी खीर हो जाती है जी। चलिए आप देखते हैं, अभी बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना बिल्कुल लेकर के सारी चीज़ें चल रही है। लगातार जो भाजपा है उसकी ओर से भी बातें कही जा रही है, जदयू के ओर भी से जो लोग हैं, जदयू के कदावर नेता हैं, अपना पूरा दमखम साम दाम दंड भेद सभी लोग अपना रहे जी। तेजस्वी यादव फिलहाल जो हैं, जो ट्विटर पे तो एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन बिहार की सक्रिय राजनीति में नहीं है। लालू प्रसाद यादव की जो तबीयत है वो भी अस्वस्थ चल रही है, जिसको लेकर के तेज प्रताप यादव की तो बात ही छोड़ दीजिए, मुकदमा कर रहे हैं आजकल। लेकिन देखिए, विपक्ष खाली है, बिहार में सत्ता पक्ष को मंत्रिमंडल का विस्तार करना है, तो ऐसे में सभी अपने अपने हिसाब से अपना अपना जो पॉइंट है, पॉइंट जो है उसे बढ़ाने में लगे हुए। जूलॉजी में और बायोलॉजी में एटीपी होता है, जो आप अगर कुछ बोल रहे हैं तो सेल के पास आपका एक एनर्जी पॉइंट होता है, तो सभी अपना अपना पॉइंट बढ़ाने में राजनीति में भी लगे हुए जी। ऐसे में देखें, जिस तरह से जीतन राम मांझी, उनको एक उम्मीद है कि उनके जो दामाद हैं उन्हें MLC बनाया जा सकता है। हम जीतन राम मांझी के जो दामाद हैं देवेंद्र मांझी, हम उनकी बात कर रहे हैं, तो वो इनको लेकर के लगातार नीतीश कुमार को खुश करने में लगे हुए हैं जी। जो सुशील मोदी जो काम किया करते थे जब बिहार में रहते थे, वो काम अब जीतन राम मांझी संभाल रहे हैं, यानी कि राजद पर हमला करना है एक मुस्त होकर के। वन एक मुखी नहीं होता जी, वो यूनिडायरेक्शनल होकर के वहाँ वो हमला कर रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले से इसमें स्पीड में भी जो है तेजी ला दी है, उस स्पीड को और बढ़ा दिया। वहीं दूसरी ओर बात करें तो चिराग पासवान खुश करने में लगे हुए हैं बीजेपी को। अब बीजेपी ने जो कहा है, जैसे जैसे बीजेपी कह रही है वैसे वैसे चिराग पासवान करते हुए भी दिख रहे हैं, चिट्ठी वाला प्रकरण याद होगा जी। जी बिल्कुल, इसके बाद से बातें यही नहीं रखती है। देखिए, जब आपके पास कहा जाता है कि अगर आप फिजिक्स पढ़िएगा तो आप इलेक्ट्रिसिटी को वहीं से आप कर सकते हैं, कितना एम्पियर का करंट जाएगा जी, वो उस तार में होना चाहिए, कैपेसिटी होना चाहिए, यानी कि इस घड़ा में आप कितना पानी भर सकते हैं, इस घड़ा की भी कैपेसिटी होनी चाहिए। जिसको लेकर के यानी कि जिस हिसाब से रणनीति को और बिहार के वोट बैंक को साधने में नीतीश कुमार दिलचस्पी ले रहे हैं जी, उस हिसाब से चिराग पासवान को भी लेना पड़ेगा जी। संदेश मिल गया है, और ऐसे में चिराग पासवान अपने पार्टी में ऊपर से नीचे तक का परिवर्तन करने के लिए बाध्य हो गए जी। इससे पहले भी चिराग पासवान बैठक कर चुके हैं, कई बार बैठक कर चुके हैं, बैठक के बाद उन्होंने जितनी भी कमिटी थी लोजपा की अचानक से भंग कर दी थी जी, गठन तो होना है बिल्कुल। ऐसे में चिराग पासवान मंत्रिमंडल विस्तार से पहले गठन कर सकते हैं, और उसको लेकर के उन्होंने एक अच्छा खासा जो है टीम बना लिया है, जो नीतीश कुमार की नीतियों पर भारी पड़ने जा रहा है बिल्कुल। एक एक करके हम टीम में जो कौन कौन से सदस्य हैं, लोग हैं, हम उनका भी नाम बता देते हैं जी। दरअसल जो लोजपा पार्टी के प्रवक्ता हैं संजय सिंह जी, बेहद दमखम वाले माने जाते हैं संजय सिंह, मजबूती से अपनी बातों को रखने के लिए जाने जाते हैं जी। तो ऐसे में ये सभी जो हैं लोग हैं संभावित हैं, हम सभी संभावित लोगों का जो है हम जिक्र कर रहे हैं। संजय सिंह लोजपा में बेहद दमखम के साथ हैं, दमखम के साथ अपनी बातों को रखने के लिए जाने जाते हैं, साथ ही साथ नीतीश कुमार पर और नीतीश कुमार के जो और भी लोग हैं, दल के लोग हैं, जदयू के लोग, उन पर वो भारी पड़ सकते हैं जी। इसके बाद अगर बात करें तो राजू तिवारी का नाम जो है प्रमुखता से आता, प्रमुखता पहले से वो पूर्व विधायक रह चुके हैं राजू तिवारी, बिहार का जो संसदीय बोर्ड है उसका अध्यक्ष रह चुके हैं राजू तिवारी, तो ऐसे में राजू तिवारी का नाम जो है प्रमुखता से आ रहा है। चिट्ठी वाले प्रकरण में भी राजू तिवारी के ही नाम से चिट्ठी लिखी गई थी, राजू तिवारी ने ही लिखा था, जो जदयू के महासचिव हैं KC त्यागी उन्हें एक पत्र लिखा था
किस तरह से उन्होंने सारी बातों का, जैसे एक आपको एपिसोड याद है, एक आया था यूट्यूब भर से टिकटॉक द एंड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कैरी मिनाटी ने बनाया था। इसी तरह से बिहार की राजनीति में लगा ये पत्र जो है द एंड करने वाला है, दे दिया, जो कि इन पूरे प्रकरण पे हम पूरा स्पष्टीकरण के साथ जो भी बातें हैं हम अपनी बातों को लिखित रूप से रख दे रहे हैं, देखिए ये बातें हैं, हमने ऐसा किया, इसलिए हमने ऐसा किया, ऐसा करेंगे, बिल्कुल ये सारी बातों को स्पष्ट कर दिया गया जी उस पत्र में। तो कहीं ना कहीं इसके बाद अब लोजपा अपने भीतर की, जिस तरह से नीतीश कुमार जदयू को मजबूत करने में लगे हुए हैं, आरसीपी सिंह जदयू के लिए रणनीति बनाने में लगे हुए हैं, उसको मजबूती प्रदान करने में लगे हुए हैं, लोजपा के जो अध्यक्ष हैं चिराग पासवान वो भी लगे हुए हैं, ऐसे में परिवर्तन होना है। अब परिवर्तन में जैसे हमने आपको बताया कि संजय सिंह का नाम है, राजू तिवारी जी का नाम है, और बात करें अशरफ अंसारी, इनका भी नाम जो है प्रमुखता से आ रहा है जी। ये सभी लोग जो है संभावित नाम है, हम लोग इन सभी बातों पर दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत लाइव की टीम जो है ये दावा नहीं कर रही है, लेकिन हमारे सूत्रों के हवाले से ये सभी बात आती है, और हमारे सूत्र जो है हमेशा पुख्ता जानकारी देते हैं, बिल्कुल समझिए ना। और सबके पीछे एक रणनीति होती है, किसको, जैसे अशरफ अंसारी की बात करें, जिस तरह से भाजपा शहनवाज हुसैन को लेकर के आती है, जदयू पार्टी जमा खान को लेकर के आती है, तो उस वोट बैंक को साधने के लिए उसी की राह पर चिराग पासवान भी है, तो वो अशरफ अंसारी की तरफ भी अपनी नजर बनाए हुए हैं जी। अब देखिए बिहार में जैसे जदयू ने प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव किया, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव किया, कुशवाहा जी को ले आए, उमेश कुशवाहा जी को ले आए, और उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात की बातें आ रही है जी, जी। तो नजर तो सबकी है जी। अब समझिए ना, मलाई यहाँ रखी हुई है तो कौन नहीं खाना चाहे, बिल्कुल, भले ही आप अलग अलग, कोई पार्टी बिहार में एम वाई समीकरण के ले जानी जाती है, कोई कुर्मी लव कुश फैक्टर के ले जानी जाती है, कोई स्वर्ण वोट जो बैंक है, स्वर्ण वोट बैंक है, उसको लेकर के जानी जाती है, सबका अलग अलग है जी, लेकिन मलाई है, खाना तो सभी को है। अब लोजपा में हम बात कर लें तो लोजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष का जो पद का जो दौर चल रहा है उसमें भी हमारे सूत्रों ने कुछ इनपुट दिया है। देखिए हर इनपुट के पीछे कुछ समीकरण है, जो प्रदेश अध्यक्ष का जो है उसमें भी राजू तिवारी जी का नाम प्रमुखता से चल रहा है जी। जिस तरह से राजू तिवारी जी को जो दिया गया है जिम्मेदारी दिया गया है, और जब जदयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी को मुंह बंद कराने के लिए, जदयू पार्टी को राजनीतिक रूप से क्वारंटाइन कराने की बात होती है तो जिम्मेदारी दी जाती है राजू तिवारी जी, राजू तिवारी, और राजू तिवारी जी को आगे लाया जाता है, उन्हें फ्रंट पे लाया जा रहा है, बिल्कुल। और देखिए जब किसी को आगे किया जाए, हर चीज में उनका नाम दिया जाए, तो समझिए कि नहीं, गांव में भी होता है ना कि अगर आपको कोई नव वर्ष की शुभकामना देते हुए दिख जाए, मकर संक्रांति की शुभकामना देता है, छठ पावन सबका शुभकामना देते हुए दिख जाए, तो समझ जाना चाहिए कि अच्छा या तो MLC का माफ कीजिएगा MLA विधायक का चुनाव लड़ेंगे, नए कुछ तो मुखिया तो बनवे करेंगे, मुखिया के चुनाव जरूर लड़वे करेंगे, तो ये सब बात होता है। तो इस हिसाब से लोजपा ने अपना स्टैंड जो है क्लियर कर दिया आगे, बिल्कुल। तो अध्यक्ष पद के दौर में राजू तिवारी का नाम है जी। इसके बाद आगे चलते हैं, और किनका किनका नाम है, अब देखिए नीतीश कुमार जी समीकरण पर चले और चिराग पासवान जब उनको फॉलो कर रहे हैं, एक कहावत है, हम गीता या जो श्री कृष्ण कभी देख रहे थे टेलीविजन पर, उस दौरान श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि जो आपका जो शत्रु होता है ना वो सबसे बड़ा मित्र होता है, बिल्कुल, क्योंकि आपका शत्रु ही होता है जो हर वक्त आपको याद करता है, हर वक्त आपको मन में शक्तियों को चैलेंज करता है, आपको बताता है कि आपके पास कितनी शक्तियां हैं जी जी। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि जो उनसे जो उनके साथी थी वो पूछ रही थी जो किस तरह से जो आपने आप जिन राक्षस को भी मारते हैं उनका तो आप उद्धार कर देते हैं, बिल्कुल, तो ऐसा क्यों करते हैं, कहते वो हमारी अलग भक्ति करता है, हमसे शत्रुता करके भक्ति करता है, हमारा नाम हमेशा लेता है, प्रभु का नाम हमेशा लेता है, तो वो एक अलग ढंग का भक्ति, वो अलग एक पॉइंट गेन कर रहा है, इसलिए हम उनका उद्धार कर, चलिए फिर से हम मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे इसलिए आते हैं। तो जिस तरह से नीतीश कुमार को चिराग पासवान फॉलो करते हैं, तो ऐसे में जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष की बात आ रही है, प्रदेश अध्यक्ष में जिस तरह से जदयू ने उमेश कुशवाहा को बना दिया, तो LJP के भी पास है कुशवाहा वाला फैक्टर तो है, श्री भगवान कुशवाहा है जी, उनका नाम प्रमुखता से आ रहा है। अब कुशवाहा वाला समीकरण जब साधने का नीतीश कुमार चेष्टा कर रहे हैं और भाजपा को कहीं ना कहीं खल रही है, तो ऐसे में जब चिराग पासवान पर भाजपा भरोसा जताती है तो आगे तो जरूर कर सकती है, बिल्कुल। तो श्री भगवान कुशवाहा का जो नाम है वो सामने है, और भी लोग हैं, भुवनेश्वर पाठक हैं, कदावर नेता है लोजपा के, उनका नाम है। इसके बाद ले लीजिए ना आप रामेश्वर चौरसिया, कैसे भूल सकते हैं रामेश्वर चौरसिया, कैसे भूल सकते हैं रामेश्वर चौरसिया, बीजेपी के कदावर नेता रहे हैं,
और जब राम मंदिर वाला मुद्दा सब रहा है उस समय के नेता रहे, प्रमुखता से अपनी बातों को रखने के लिए जाने जाते हैं। इस बार के चुनावी समर में लोजपा के साथ टिकट पर आकर के चुनाव लड़ लिए थे सासाराम से, जीत नहीं पाए। लेकिन वहाँ हमने ओपन तौर पर देखा, खुले तौर पर देखा, जो भाजपा के लोग हैं जदयू के कैंडिडेट के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, रामेश्वर चौरसिया जो लोजपा में है उनके खिलाफ आकर के खुले तौर पर समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल, पूरे भारत लाइव की टीम ने आपको दिखाई थी किस तरह से जो क्या समीकरण बने हुए हैं सासाराम में। तो रामेश्वर चौरसिया जितने बुलंद नेता हैं उनका नाम आगे चल रहा है, लेकिन अभी नए हैं और भी लोग हैं। और लोग कौन है? राजेंद्र सिंह दिनारा वाला, आपको किस याद है दिनारा से जो जय कुमार सिंह को हरा दिया था। बिल्कुल, खुद भी नहीं जीत पाए थे लेकिन उन्हें हरा दिया था, उनके खिलाफ लड़ रहे थे। ये सारे इतने लोग हैं जो लोजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, ऐसे नामों में इन सभी का नाम जो है संभावित है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी अपना फील्डिंग टाइट कर रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, जो है ये सभी जो है लोग फील्डिंग टाइट कर रहे हैं, ये सभी लोग जो है संभावित हैं। माय सूत्र बता रहे हैं, भारत लाइव की टीम अभी दावा नहीं कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार जो नीति अपनाते हैं उसको चिराग पासवान उसी बात को देखते हुए, उनसे सीख लेते हुए एक बार फिर से बिहार में लोजपा का जो कद है उसे मजबूत करने पर पूरा ध्यान दे रहे हैं और लोजपा में एक बड़ा परिवर्तन की दिशा में नीतीश कुमार ने कदम बढ़ा दिया है। तो आपने देखा कि नीतीश कुमार के खिलाफ एलजेपी यानी कि चिराग पासवान ने अपने जो लश्कर हैं लाव लश्कर उनको तैयार कर लिया है कि किस तरह से नीतीश कुमार पर हमला करना है। और आपने देखा होगा चुनाव से पहले भी नीतीश कुमार पर लगातार हमला करते हैं, लेकिन अब चुनाव के बाद अब खुल करके सामने आएंगे, अब खुल करके नीतीश कुमार का विरोध करेंगे। तो चलिए रातों रात में यहीं पे विराम देंगे, फिर अगले रातों रात में मिलेंगे आपसे। अभी तो शुरुआत हुई है सुबह की और दिन भर ऐसे खबर का सिलसिला चलता रहेगा और भारत लाइव जो भी खबरें आएगी आपको लगातार दिखा रही है। अगर आप चाहते हैं हमारी पत्रकारिता इसी तरह से आगे बढ़ती रहे तो आपको एक नंबर है जो कि दिया हुआ है हमारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस पर आपको सहयोग करना हुआ सहयोग करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और करते भी रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 8167 00। धन्यवाद।